तो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जैसे ही 45 सेकंड का ये वीडियो जारी किया, विपक्ष ने मुद्दे को लपक लिया। वीडियो को लेकर सरकार और पुलिस की मंशा पर सवाल उठाए जाने लगे, लेकिन इसके बाद जब 15 दिसंबर की घटना का पूरा वीडियो सामने आया और लाइब्रेरी में मौजूद लोग पत्थरों के साथ दिखाई दिए, तो विपक्ष की बोलती बंद हो गई। सिचुएशंस में जाकर इस तरीके का हमला करना ये उचित नहीं है। जो पुलिस कार्रवाई हुई है वो निंदनीय है, शर्मनाक है। जामिया यूनिवर्सिटी का 45 सेकंड का वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ कैंपेन चलाया जाने लगा, पिटाई को गलत ठहराया जाने लगा। देश के विपक्ष के साथ साथ कई जाने माने लोगों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर कर पुलिस और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने में जरा भी देर नहीं लगाई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से जारी 45 सेकंड के वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से रिट्वीट किया और देश के गृह मंत्री से लेकर दिल्ली पुलिस पर झूठ बोलने का आरोप मढ़ दिया। देखिए कैसे दिल्ली पुलिस पढ़ने वाले छात्रों को अंधाधुंध पीट रही है। एक लड़का किताब दिखा रहा है लेकिन पुलिस वाला लाठियां चलाए जा रहा है। गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने झूठ बोला कि उन्होंने लाइब्रेरी में घुसकर किसी को नहीं पीटा। इस वीडियो को देखने के बाद जामिया में हुई हिंसा को लेकर अगर किसी पर एक्शन नहीं लिया जाता तो सरकार की नीयत पूरी तरह से देश के सामने आ जाएगी। कांग्रेस दिल्ली पुलिस को बर्बर बता रही है और पूरे मामले पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जवाब मांग रही है। लाइब्रेरी के अंदर घुसकर पिटाई की, हमारे छात्र छात्र पर अत्याचार किए हैं, इस सारे चीज को मद्देनजर एक जांच होना चाहिए। एक जांच होने के बाद ये पता चलेगा कि किसके निर्देश पे, किसके आदेश पे, किसका कहने पे ये सारे लोग इस तरीके की दरिंदगी जैसे इन लोगों के साथ बदतमीजी किया, ये जरूर हम सबको देखना चाहिए। इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए और गृह मंत्री को देना चाहिए और भारत सरकार को देना चाहिए, पुलिस को देना चाहिए। जो कहते कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो लोग तो आतंकवादी थे, हमला करने वाले थे, जो अंदर लाइब्रेरी में घुस गए थे, हमने उनको मारा था। इस वीडियो ने सरकार की कलई खोल के रख दी है। विपक्ष ने जामिया के इस वीडियो का पूरा सच जाने बिना राजनीतिक बयानबाजी शुरू कर दी। शाम होते होते जब पूरा वीडियो सामने आया और लोग घटना के दूसरे पहलू से भी रूबरू हुए, इस वीडियो में लाइब्रेरी के अंदर लोगों के हाथों में पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि जो भी देश के शिक्षण संस्थानों की गरिमा को गिराने का काम करेगा उन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही अमित शाह ने लोगों से अपील की कि वो पुलिस का सम्मान करें। साथ ही पुलिस को नसीहत भी दी कि गुस्से और उकसावों के बाद भी दिल्ली पुलिस को शांत बने रहना चाहिए। हमारे चाहे JNU होगा, चाहे जामिया भी है, बहुत सारे संस्थान है, बहुत अच्छे संस्थान है हमारे, वहाँ से बहुत अच्छे लोग निकले हैं। और लेकिन मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि जो कुछ लोग जो भी होंगे जो उनकी उन संस्थाओं की गरिमा को गिराने का काम करेगा उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी कह रही है कि अच्छा हुआ कि दंगाइयों ने खुद ही अपनी पहचान सार्वजनिक कर दी, तो विपक्ष अब भी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की निंदा के साथ साथ केंद्र सरकार पर झूठ बोलने और राजनीति करने का आरोप लगा रही है। हालांकि 15 दिसंबर 2019 का पूरा सच यानी 14 मिनट से भी ज्यादा का CCTV फुटेज सामने आने के बाद जो लोग पहले पुलिस पर सवाल उठाते दिख रहे थे उन्होंने छात्रों की हरकतों पर चुप्पी साध ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक ले रुके हैं, फॉरन लौटेंगे।